नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा हाई एल्टीट्यूड वॉर स्कूल के बारे में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, HAWS कहलाने वाला ये स्कूल, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो कश्मीर का मेजॉरिटी हिस्सा भारत के पास था, लेकिन कुछ ऐसा भी हिस्सा था जो पाकिस्तान के पास था, जो आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टूरिज्म पॉइंट है, गिलगिट। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, गिलगिट ये एक ऐसा एरिया है जो भारत के पास हो सकता था, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारे सैनिक तैयार नहीं थे बर्फ़ पे लड़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त हमारे सैनिकों को ये कला नहीं पता थी कि कैसे बर्फीले एरियाज पे लड़ाई की जाती है, इसकी वजह से इंडियन नेशनल आर्मी ने 1948 में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा गुस्से के तहत हाई एल्टीट्यूड वॉर स्कूल बनाया। ये हाई एल्टीट्यूड वॉर स्कूल गुलमर्ग में है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, HAWS कहलाने वाला ये स्कूल पहले स्कीइंग स्कूल था। अंग्रेज वहाँ पे बर्फ पे स्कीइंग करते थे, और फिर जैसे ही ब्रिटिशर्स गए, इंडिया का भी वो स्कीइंग स्कूल बना, लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि गिलगिट हमारे हाथ से निकल गया, और इसके चलते 1948 में जो स्कीइंग स्कूल था वो कन्वर्ट कर दिया गया हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल दो तरीके की ट्रेनिंग्स कराता है। पहला, माउंटेन वॉरफेयर स्कूल, यानी कि पहाड़ों पे कैसे लड़ाई करनी है, कैसे काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करने हैं, कैसे सर्वाइव करना है, ये पहला लक्ष्य है माउंटेन वॉरफेयर स्कूल। और दूसरा लक्ष्य है विंटर वॉरफेयर स्कूल, जब टेम्परेचर माइनस में होने लगे, जब पूरे एरियाज में बर्फ होने लगे, उस केस में हमारे सैनिकों को कैसे लड़ना है, ये हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल सिखाता है। जो माउंटेन वॉरफेयर स्कूल है वो सोनमर्ग में है, और उसकी ट्रेनिंग मई से लेके अक्टूबर के मंथ्स में कराई जाती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक प्लेन एरिया से जब पहाड़ी एरिया में हमारे सोल्जर्स, हमारे ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ऑपरेशंस को कैसे कंडक्ट कराना है, कैसे ओवरऑल एफिशिएंसी लेनी है, एंड कैसे लॉस ऑफ लाइफ ना हो, इसके चलते सैनिकों को जो भी हिली टेरेन में, हिली एरियाज में ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको ये माउंटेन वॉरफेयर स्कूल की ट्रेनिंग कंपलसरी सोनमर्ग में कराई जाती है। अब बात करते हैं विंटर वॉरफेयर स्कूल की। जो सैनिक हिमालयन बॉर्डर्स पे हैं, जो सैनिक, जो ऑफिसर्स सियाचिन ग्लेशियर पे हैं, उनको ऑल ऑफ अ सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, चेंज ऑफ एवरीथिंग से गुजरना पड़ता है, हर चीज़ बदल जाती है। उस केस में डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर सैनिक को विदाउट एक्लिमेटाइजेशन, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एडजस्टमेंट्स, विदाउट एक्सपीरियंस सीधे ग्लेशियर पे भेज दिया जाए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, सियाचिन ग्लेशियर बहुत कुर्बानी के बाद 1984 में मिला था, इसलिए आज इंडियन आर्मी में जो भी यूनिट, जो भी सैनिक, जो भी अफसर सियाचिन ग्लेशियर या हिमालयन बॉर्डर्स पे पोस्टेड होता है, उसको ये विंटर वॉरफेयर ट्रेनिंग गुलमर्ग में कराई जाती है, जो कि जनवरी से लेके अप्रैल तक के बीच में कराई जाती है। ना ही हिंदुस्तान, US, UK एवं जर्मनी जैसे देश के भी सेलेक्टेड सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स को ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के द्वारा ट्रेनिंग कराई जाती है। अपने आप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रखने वाला ये स्कूल, आज हर बड़े देश इंडिया पे डिपेंडेंट है फॉर हाई ऑल्टीट्यूड वॉर स्कूल। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हम सब हिंदुस्तानियों को बड़ा प्राइड महसूस करना चाहिए, क्योंकि हमारी आर्मी ने ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल बनाया है, जहां बड़े बड़े देश, बड़े बड़े कंट्रीज जहां से हम लोग खुद वेपन्स खरीद रहे थे, उनके भी सैनिक, उनके भी अफसर इन संस्थाओं में ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपको हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के बारे में और जानना है, तो आप हमारा ब्लॉग
www.blog.trishuldefenseacademy.com विजिट कर सकते हैं और आप पूरा हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के बारे में पढ़ सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से, आपके क्वेश्चन से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। मैं ये वीडियोस के टॉपिक्स आप ही के सवालों से ढूंढ के लाता हूँ, तो आशा करता रहूँगा आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहे। थैंक यू, जय हिंद। जहाँ बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।